दोस्तों अभी आजकल देख रहे हैं निफ्टी हो बाय निफ्टी हो खूब ज्यादा फ्लक्चुएशन हो रहा है और हमने उसका भरपूर फायदा उठाया। आपने देखा होगा दोस्तों, हमने लाइव मार्केट में दोस्तों टेलीग्राम पर हमने पूरे अपडेट करने की कोशिश किया। हमने लिखा यहां पर निफ्टी का डी डिमांड जोन अब मुझे अच्छा लग रहा है, जो अच्छा सपोर्ट कर सकता है और निफ्टी को ऊपर भेज सकता है। तब निफ्टी 24,286 पर चल रही थी। ये मैसेज 1:28 का है और दोस्तों उसके बाद आप देखेंगे ये जो निफ्टी है उसके बाद कंटिन्यू 24,286 मैसेज किया था, 24,454 तुरंत ये जो ग्रीन कैंडल है, जो रेड कैंडल थी वो ग्रीन कैंडल बन गई। इसके बाद में दोस्तों नो डाउट मार्केट वोलेटाइल है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ज्यादा है। जैसे हमने लिखा हर घंटे कोई ना कोई रिजल्ट आ रहा किसी ना किसी कंपनी का, जिसकी वजह से भी मार्केट पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है, मार्केट वोलेटाइल है। इसके बाद में हमने निफ्टी के इस 125 के सप्लाई जोन का भी डिस्कशन आप लोग साथ में किया था। ये एक सप्लाई जोन है निफ्टी में और यहां से निफ्टी जो है लगभग हमको 250 पॉइंट डाउन देखने को मिली आज ही, टोटल मिलाकर के सप्लाई जोन से लेकर नीचे आने तक। ठीक है, तो सब चीज चले, इससे कोई बात नहीं है, डिमांड जोन चले, सप्लाई जोन चले। हाँ, अब दोस्तों आगे हम देखते हैं क्या व्यू रह सकता है निफ्टी को लेकर के। दोस्तों निफ्टी में आते हैं यहां पर, तो निफ्टी का यहां पर एक डेली का डिमांड जोन था जो कि उस टाइम के प्रैक्शन से लग रहा था कि हो सकता था कि ये डिमांड जोन जो है दोस्तों ब्रेक हो जाए, बट ठीक है नहीं हुआ, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, ये डिमांड जोन था। ठीक है, हमारी जो गुणागणित है लगभग सेट ही बैठी है, कोई दिक्कत नहीं है। जब कभी निफ्टी 25,000 के आसपास थी तभी वीडियो बनाया था कि 25,000 से निफ्टी 24,185 तक आ सकती है, वो आई 7-8 पॉइंट नीचे। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या है, एक बात समझ लीजिए, मार्केट 20 से कहां से भाग जाए, 20 से कहां से गिर जाए, इसके लिए आप ना हमसे लड़ सकते ना किसी से लड़ सकते हैं। उससे बेहतरीन तरीका बताता हूं आपको, सच्चा तरीका है कि आप प्राइस एक्शन के मास्टर बने। ठीक है, डिमांड सप्लाई जोन चला तो कौन सा टेस्टेड है, टेस्टेड हुआ तो क्या हो रहा है, निकल रहा है, ब्रेक करा, ये सब चीजें मिला के देखना शुरू करिए, तब मजा आएगा। बीच मार्केट में मैंने अपडेट किया कि मुझे लगता है निफ्टी यहां से अब जा सकती है, तो जाहिर सी बात है निफ्टी में निफ्टी भाई भाई, निफ्टी भाग गई तो मैं निफ्टी भी साथ देगी, मैं निफ्टी भाई निफ्टी साथ देगी, वही हुआ। अच्छा, अब क्या है, निफ्टी नो डाउट डेली के इस डिमांड को थोड़ा सा ब्रेक करके जो है ऊपर सस्टेन करने की कोशिश कर रही है निफ्टी। तो निफ्टी में अगर हम जाते हैं तो बड़े टाइम फ्रेम पर, वीकली के टाइम फ्रेम पर एक सप्लाई जोन है निफ्टी में, मैं इसकी बात करूं दोस्तों। ठीक है, जो मुझे लगता है कि देखिए ओवरऑल अगर मैं इंडेक्स की बात करूं तो अभी ऐसा नहीं लगता कि मुझे बहुत बड़ी तूफानी पारी आ जाएगी, लेकिन मार्केट है थोड़ा सा गिरेगी फिर ऊपर, गिरेगी फिर ऊपर जाएगी, तो वही मैं बात कर रहा हूं। उस हिसाब से निफ्टी ने यहां पर कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो वीकली के टाइम फ्रेम पर एक सप्लाई जो निफ्टी ने बना रखा है, मैं इसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं फिर से कर दूं मार्क, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, प्रैक्टिस होना चाहिए इसके लिए। अगर रोज मैं वीडियो बनाता रहूं तो साथ प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी मुझे ये लाइन ड्रा करने की। इस पर देखिए वीकली के टाइम फ्रेम पर निफ्टी ने एक सप्लाई जोन बना रखा है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा खुश नहीं हो रहा हूं। ठीक है, जो प्राइक्शन आया वहां जो ऊपर गया, ठीक है उसका मजा लिया आज निफ्टी से। जब वीकली का सप्लाई जोन है उसके अंदर देखते हैं डेली के टाइम फ्रेम पर, तो डेली के टाइम फ्रेम पर कोई अच्छा सप्लाई जोन नहीं दिख रहा है, तो हम स्मॉल टाइम फ्रेम में जाएंगे, 1 आवर 2 आवर 125 मिनट पर जा सकते हैं, उसके अंदर एक सप्लाई जोन यहां कहीं निकल के आ रहा है। दोस्तों अगर मैं बात करूं आपसे, स्मॉल टाइम फ्रेम में काफी दूर तक देखना पड़ता है कौन सी एरिया हो सकती है, यह सप्लाई जोन है। अगर मैं मार्क करता हूं इसको
थोड़ा सा एग्रेसिव मार्क कर देता हूं इसको, ये सप्लाई जोन है एक, यहां पर निफ्टी में एक ये सप्लाई जोन जो फ्रेश है, एक ये सप्लाई जोन हो सकता था लेकिन इसको प्राइस इसने निफ्टी टेस्ट कर रखा है। ये सप्लाई जोन कहां से कहां तक आ रहा है, 24,882 से लेकर 24,711, मोटा मोटा 700 मानते हैं, मतलब 24,700 के बाद ज्यादा निफ्टी आ जाती है या हमको फिर जो है थोड़ा सा अलर्ट हो जाना चाहिए 24,700 के आसपास, क्योंकि यहां पर फिर एक सप्लाई जोनल एरिया आ जाएगी 24,700 के आसपास से, यहीं से कहानी शुरू हो जाएगी 24,700 से 24,882 तक। ठीक है, अभी हिसाब से ही लगता है कि हो सकता है निफ्टी यहां पर जाने की कोशिश करे, क्योंकि अब सप्लाई जोन जो था ये एक सप्लाई जोन था, मैं मानता हूं ये सप्लाई जोन ये थोड़ा सा टेस्ट नहीं हुआ लेकिन बिग से टेस्ट हुआ, इस बेस कैंडल की यहां बिग से टेस्ट हो गया है। ठीक है, हो सकता है प्रॉपर जो है इसको हिट कर थोड़ा सा रुके होकर उसके बाद 24,700 जाने की कोशिश करें निफ्टी, देखेंगे देखने की बात होगी। ठीक है, अच्छा स्मॉल टाइम फ्रेम में देखते हैं क्या कुछ और है, अगर यहीं कहीं से लौटती है तो निफ्टी 125 पे कुछ नहीं है, चलिए हम 75 मिनट पर टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं क्या है, हो सकता है कुछ हो। सेवेंटी फाइव मिनट पर भी पिक्चर एक यहां पर डिमांडिंग की पिक्चर दिख रही है, हो सकता है 1 आवर 2 आवर में और अच्छी पिक्चर क्लियर आए, 1 आवर पर डिमांडिंग है मिला, 1 आवर है तो होता है 2 आवर भी अच्छा हो, 2 आवर का ये बॉटम एरिया आ रहा है, 4 आवर सब देखना पड़ता है दोस्तों किस पर हमको प्रॉपर स्ट्रक्चर मिल रहा है, आप समझ रहे ना प्रॉपर स्ट्रक्चर, तो मैं तो प्रीफ्रेंस दूंगा फिर उसी को जो थोड़ा सा ज्यादा अच्छा हो, ये बॉटम एरिया ज्यादा अच्छा है, इनकेस निफ्टी लौटने की कोशिश करे तो फिर उसके बाद में ये एज एरिया हो सकता है 24,243, कहां पर डिमांड जोन है नेक्स्ट नीचे का 24,243 से लेकर 24,143 के बीच में फिर एक डिमांड जोन है, मतलब निफ्टी यहां से नीचे आती भी है तो सपोर्ट है निफ्टी को स्मॉल टाइम फ्रेम पर। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा हमारा निफ्टी 50 को लेकर व्यू, अब आते हैं निफ्टी बैंक में, निफ्टी बैंक आप देखते आ रहे हैं कि इसका चार्ट ही देख के कुछ अलग ही दिखता है नजर आता है। ठीक है, बहुत ही वोलेटाइल मार्केट, बहुत वोलेटाइल है, अच्छे अच्छे कंपनीज के मारुति के टाटा मोटर्स के देख रहे हैं, मारुति रिजल्ट आया, ठीक है सबका रिजल्ट आया, ऐसे बहुत से रिजल्ट आए हमको आइडिया भी लगता है रिजल्ट आते रहते हैं। ठीक है, तो उनका फर्क पड़ता रहता है मार्केट पे, अच्छा आया तो ले। ठीक है, अगर हम निफ्टी बैंक में जाते हैं डेली टाइम फ्रेम पर पहले, तो डेली के टाइम फ्रेम पर दोस्तों ये सप्लाई जोन है, इसको मार्क करता हूं एक सप्लाई जोन, ये सप्लाई जोन है। मैं दोस्तों बता चाहता हूं कि निफ्टी को लेकर मैं उतना ज्यादा बुलिश अभी भी नहीं हूं, हाँ बीच बीच से भाग रही है ठीक है कोई बात नहीं है वो, ठीक है देखेंगे, बाकी ऐसा नहीं है कि मैं भाई चार्ट के बेसिस पर सप्लाई जोन ऊपर रोकने के लिए है इसलिए मैं निफ्टी बैंक को लेकर ज्यादा बुलिश नहीं हूं निफ्टी बैंक को लेकर के। तो दोस्तों यहां पर निफ्टी बैंक में एक सप्लाई जोन है, कहां पर है 53,238 से लेकर के 52,828, ठीक है यहां पर एक सप्लाई जोन एरिया है, इसीलिए निफ्टी में क्या बैंक निफ्टी में क्या तुरंत फटाफट फटाफट वापस सप्लाई जोन पड़ रहे हैं, अब बैंक निफ्टी 400-500 पॉइंट क्या है, ठीक है फिर सप्लाई जोन आ जाएगा बैंक निफ्टी में 52,828 के आसपास, 52,800 मान लीजिए मोटा मोटा, फिर सप्लाई जोन आ गया, ठीक है 52,300 पे ही है, इसलिए थोड़ा सा इसका व्यू एकदम क्लियर बोल सकते, अब बीस से मार्केट भाग रही ठीक है, अच्छे अच्छे स्टॉक रिजल्ट हाई भी दिग्गज कंपनी रिजल्ट आ रहे हैं, अच्छे रिजल्ट आए वो स्टॉक भागे साथ में पूरी मार्केट लेके भाग गए, ये अपने कंट्रोल में नहीं है, इसे बोलते हैं मार्केट इज सुप्रीम, मार्केट से बड़ा कोई नहीं। ठीक है, तो
तो ये सप्लाई जोन है यहाँ पर, एक हर्डल है यहाँ पर बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी लौटती नीचे तो यहाँ पर इसने एक डिमांड जोन आज बनाया हुआ है, ठीक है। ऐसे ना भी हो समझाए तुम स्मॉल टाइम फ्रेम जा सकते हैं, 4 आवर पर जा सकते हैं। देखिए 4 आवर तो यहाँ पर डिमांड जोन बना दिया निफ्टी बैंक ने, कहाँ पर 4 आवर दिखेगा, 2 आवर दिखेगा। देखिए टाइम फ्रेम का मतलब यह है कि जो एक डिमांड जोन का प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है वो एक्चुअली कैसा होना चाहिए, प्रॉपर स्ट्रक्चर में बात कर रहा हूं, वो कैसा होना चाहिए, वो प्रॉपर जिस टाइम फ्रेम पर मिले 1 आवर 2 आवर 75 मिनट पर, ठीक है वो हम देखेंगे। यहां पर 4 आवर के टाइम फ्रेम पर निफ्टी बैंक ने सप्लाई बना दिया है, जैसे कि निफ्टी ने बना दिया डिमांड जोन, अगर बोला सप्लाई जोन सॉरी डिमांड जोन, जैसे निफ्टी ने वहां डिमांड जोन बनाया हुआ है वैसे ही 4 आवर टाइम फ्रेम के आसपास नीचे निफ्टी बैंक ने भी डिमांड जोन छोड़ दिया है कि भैया अगर मैं नीचे आऊंगी तो यहां पर सपोर्ट है मेरे लिए। वो क्या सपोर्ट है, 51,450 से लेकर के 51,166 पास डिमांड जोन है, भैया हम नीचे आते तो हाँ सपोर्ट से बना दिया है, उनको फिर से मिले सपोर्ट, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या मार्जिन दिख रहा है। तो निफ्टी बैंक में अभी आपको बताया था वही सप्लाई जोन बताया था आपको, वही सप्लाई जोन है, ठीक है, 52,800 के आसपास का सप्लाई जोन है। मतलब मुझे लगता है कि हो सकता है निफ्टी बैंक यहाँ और निफ्टी फिफ्टी का जो सप्लाई डिस्कस किया था हो सकता है वहां जाने के लिए जद्दोजहद करे, ठीक है। क्योंकि देखिए मार्केट है, हम कोई वीडियो बनाते हैं 24 घंटा पहले 48 घंटा पहले, प्राइस एक्शन तो 8 मिनट में ज्यादा आता है, 48 घंटे तो बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। हाँ निफ्टी बैंक में हमने प्रीवियस टाइम 1-2 आवर के सप्लाई को डिस्कस किया था, आप लोग को याद होगा ये सप्लाई जोन, आप लोग को याद होगा यहां से आ सकती डाउन। देखिए ये चीज आपको वीडियोस देखनी चाहिए तो समझ आपको आएगा। हमने यहां पर मैसेज भी किया था टेलीग्राम पर कि अब बैंक निफ्टी रुक सकती है, तो उसके बाद ये रटकंडल आई थी लगभग जो सॉरी जब बैंक निफ्टी 700-800 पॉइंट प्लस थी उसके बाद में केवल 300-400 पॉइंट प्लस थी, मतलब तुरंत 300-400 पॉइंट नीचे आ गई थी बैंक निफ्टी, जो मुझे आइडिया है आप टेलीग्राम पर चेक कर लीजिएगा, ठीक है डाउन आई। ये हमने आपको कई वीडियो में मैं बता रखा हूं, कई वीडियो में आप स्मॉल टाइम फ्रेम में चेक करें सप्लाई जोन टूट सकता है, टूट सकता है, आप देखेंगे तुरंत उसके अंदर जो है 1 आवर 30 मिनट शायद था कुछ तो था वहां पर, मुझे आइडिया है। हाँ ये देखिए जब सप्लाई जोन को निफ्टी बैंक ने हिट किया था तो 30 मिनट पर यहां पर एक डिमांड बना दिया था निफ्टी बैंक ने, हमने प्रीवियस वीडियो बनाया था कुछ सप्लाई जोन टूट सकता है अगर उसने 30 मिनट डिमांड बना दिया है, लेकिन मिसिंग है बेस और लेग आउट है। जस्ट अभी एक दो मिनट पीछे भी मिल जाएगा, तो देखिए यहां पे क्या हुआ, लगभग इसी डिमांड के आसपास निफ्टी बैंक आई और सपोर्ट लेके मार्केट निकल गई और फिर इसने डिमांड बना दिया 30 मिनट पे, फिर इसने डिमांड बना दिया 30 मिनट का, फिर इस करने सपोर्ट लिया, फिर वह निफ्टी ऊपर, फिर डिमांड बना दिया, बना था वीडियो आपको याद होगा। तो हमेशा देखिए आपको मूल मंत्र देता हूं आपको, सर कोई ना बताए मैं बताना चाहता हूं, कोई बिजनेस हो, कोई भी काम हो, स्टॉक मार्केट हो, कोई शॉप हो, कुछ भी हो, कोई स्टडी आप कर रहे हैं, कुछ भी हो, उसमें आप तभी सफल होंगे जब उसमें आपका मन लगेगा। तो और मन लगेगा तो उस काम को करने में कभी आपको थकान नहीं लगेगी। अगर स्टॉक मार्केट से आपको प्यार है तो कैंडलों को देखते देखते रात कब गुजर जाएगी आपको नींद नहीं आएगी, और जिस चीज से आपको प्यार नहीं है उसको आप घड़ी देख के काम करें यार जल्दी से टाइम हो सो जाऊं, मतलब वो काम आपको करना नहीं चाहिए क्योंकि आप उसे टाइम पास कर रहे हैं, टाइम को पास कर रहे हैं। तो ध्यान रखिए मैं ये बिल्कुल कभी नहीं कहूंगा कि स्टॉक मार्केट से पैसा बनाना आसान है, मुझे लगता है अब और भी मुश्किल होने वाले हैं आने वाले टाइम स्टॉक मार्केट में, और भी कंपटीशन बढ़ने वाला है, मार्केट खुद को और तेज चेंज करेगी।
तो जरूरत है दूसरों में कमी निकालने से बेटर है अपने अंदर कमी निकाल ली जाए और उस कमी को दूर किया जाए, फिर और अच्छा करने की कोशिश किया जाए, अगले दिन और अच्छा करने की कोशिश किया जाए तो मजा आएगा। अब आप देखेंगे टीराम पर, देखिए निफ्टी दिया था बोलते 150 पॉइंट, बाद में अपडेट नहीं किया, 200 पॉइंट के आसपास चली गई थी, ठीक है। और दोस्तों हमने यहां पर जो सप्लाई उन्हें किया था वहां से क्या लिखा, निफ्टी एसजेड से सप्लाई उनसे 150 पॉइंट डाउन, फिर 200 पॉइंट डाउन, आज कहा मैसेज, कल हिट किया था, आज से डाउन हो गई 200 पॉइंट डाउन, सप्लाई जोन भी चला, डिमांड भी चला, ठीक है। लेकिन 49,400 कब आएगी, अभी नहीं आई, ठीक है, कोई चीज एक दिन में नहीं ऊपर होती है, कभी कभी समय लगता है और हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। और एक चीज है, मार्केट से कभी लड़िए मत, जैसे आपने सोचा कि यार ये इंडेक्स इतना गिरना चाहिए, या आपने कहीं बोल दिया या दोस्त ने कहा इतना मुझे तक गिर सकता है, लेकिन उसके बाद मार्केट ने आधे घंटे में ऐसा बना दिया प्राइसन कि उससे लगता है कि अब नहीं गिर सकता है, ऊपर जा सकता है। तो ये नहीं, हमने जुबान दे दिया है, आप कैसे हो सकता है, गिरेगी कैसे, नहीं नहीं बाबू, इससे नहीं, मार्केट से बड़ा कोई नहीं, उसने अगर अपना ट्रेंड चेंज कर दिया तो आप भी अपनी जुबान को चेंज कर दो, क्योंकि कहते हैं ट्रेंड इज फ्रेंड, लड़के नहीं जीत पाओगे, ठीक है। सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सब बढ़िया चल रहा था, बलिका रिजल्ट का असर चला मार्केट पर, ठीक है। तो दोस्तों हाँ, एक खास बात और दोस्तों है, ये हमारा IMS ट्रेनिंग अकेडमी का टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन करने के लिए आपको एक रुपया भी नहीं देना होता है, सब कुछ फ्री है, क्योंकि मैं टिप्स नहीं देता, रिकमेंडेशन देता हूँ, सिर्फ एजुकेशन देता हूँ, अपना व्यक्तिगत विचार देता हूँ, जो कि ट्रेनिंग पर्पज से नहीं होता है, आप जो कर सकते हैं बस, ठीक है। दोस्तों हमारे IMS ट्रेनिंग अकेडमी टेलीग्राम चैनल से कई सारे फेक चैनल भी क्रिएट हो गए हैं, कृपया आप उन सबसे दूर रहें। हमारे टेलीग्राम चैनल दोस्तों सिर्फ और सिर्फ हमारे YouTube वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है, क्यों वहीं से ज्वाइन करें, कहीं और से ना ट्राई करें। बाकी दोस्तों हमने टेलीग्राम पर या अपने हम YouTube चैनल पर या भी या वीडियो में हमने जो कुछ डिस्कस किया, इंडेक्स का जो भी बातें करी, वो सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वेशन पर्पज से, एजुकेशन पर्पज शेयर किया, ठीक है। जो मेरा एजुकेशन है मैंने उस हिसाब से डिस्कस किया है, उससे आप किसी तरीके से नहीं, सब डिस्क्लेमर ही वीडियो का, उससे किसी तरीके से आप कोई रिकमेंडेशन या टिप्स ना समझे ट्रेडिंग के लिए। ध्यान रहे, लाइव मार्केट में कोई भी पोजीशन बनाने से पहले आप अपनी खुद की एनालिसिस और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद ही बनाए पोजीशन। ध्यान रहे दोस्तों, स्टॉक मार्केट जोखिमों पर आधारित है। थैंक यू।